यहाँ दोस्तों आखिरकार भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला जो खेला जा रहा है उसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है। आखिरकार भारत की तरफ से ईशान किशन रोहित शर्मा पारी की शुरुआत के लिए आ भी चुके हैं और क्या चल रही है मुकाबले की लाइव अपडेट किसने बना ली है, कितने रन कौन खेल रहा है, कितने रनों पर लाइव, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम आज का मैच जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और वेस्ट इंडीज में से कौन सी टीम दूसरा T20 मुकाबला जीतेगी। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच 5 मैचों की T20 आई सीरीज के पहले मैच में बड़ी जीत के बाद भारत दूसरे मुकाबले में वार्नर पार्क मैदान पर ताल ठोकेगा। तो वही दोस्तों यह रोमांचक मुकाबला वार्नर पार्क में खेला जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि इस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम के लिए भारतीय टीम को हराने का एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि भारत इस सीरीज को भी क्लीन स्वीप करने का मूड बना रहा है। हालांकि दोस्तों गौरतलब यह है कि इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने 68 रनों से जीत हासिल की और इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 64 रन बनाए थे और साथ ही दिनेश कार्तिक के बल्ले से सिंह की तरह गरजने से हड़कंप मच गया था और उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 41 रन की शानदार पारी वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ खेल डाली थी। हालांकि दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में भी हर किसी को इसी पारी की उम्मीद होगी। तो वही हम आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच आप सभी दूसरा T20 मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन पर DD स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकते हो और अगर आपको इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो आप सभी फैन कोड एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच दूसरे T20 मुकाबले के बारे में तो दोस्तों इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। जहां रोहित शर्मा अगर टॉस जीते हैं तो वो अपनी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारेंगे। हालांकि इसी बीच रोहित शर्मा ने ये साफ कर दिया कि दूसरे T20 मुकाबले में वो प्लेइंग 11 टीम को भी बदलने वाले हैं। जहां प्लेइंग 11 टीम में हम सभी को रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे तो वहीं तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाएगा, चौथे नंबर पर दीपक हुडा टीम का हिस्सा होंगे तो वहीं हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है तो वहीं रविचंद्रन अश्विन टीम का हिस्सा होंगे, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों को टीम में खिलाया जाएगा। बाकी आप सब यहां पर देख सकते हो जो फाइनल प्लेइंग 11 टीम है जिसमें रवि बिश्नोई वगैरह सब शामिल हैं वो आप सभी की स्क्रीन के सामने है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में तो जो वेस्ट इंडीज की टीम होगी उसमें भी काफी बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जहां निकोलस पूरन, रोमन पॉवेल, शामरा ब्रुक्स, डोमिनिक ड्रेक, शिमरॉन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग आप सभी को टीम वेस्ट इंडीज का हिस्सा होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच एक बेहद ही शानदार और रोमांचक मुकाबला हम सभी को खेला जाता हुआ दिखाई देगा जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर पूरा दारोमदार होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर वो 2-0 से इस सीरीज में बढ़त हासिल करे। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच दूसरे T20 मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार दूसरा T20 मैच कौन सी टीम जीत सकती है, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।